आधार कार्ड को लेकर केंद्र सरकार की जो नई नीति है उस पर फैसला सुनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक अलग बेंच की गठन किया है। उसके तहत नवंबर के आखिरी दिनों तक ये फैसले सुनाए जाएंगे कि आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों को जो जोड़ना है वो जोड़ना चाहिए या नहीं चाहिए। इसी को लेकर भारत में विभिन्न अपने उच्च पदों पर आसीन कुछ ब्यूरोक्रेट, जिनमें 6 ब्यूरोक्रेट का नाम है मेरे पास, उन्होंने पत्र लिखा है प्रधानमंत्री मोदी को कि क्या इसके मायने हैं, क्या ये मामला सही है या गलत है। उनके नाम हैं सीके कोसी, सुरजीत किशोर, ललित माथुर, कमल कांत जायसवाल, वी रामा सुब्बाराव। ये 6 ऐसे नाम हैं जो देश के विभिन्न क्षेत्रों में उच्च पदों पर अपने अलग अलग सेवाओं को प्रदान किया है। इस पत्र में यह जताया गया है कि आधार कार्ड को लेकर जो नीति लागू की जा रही है वो जल्दबाजी में हो रही है। दूसरा, आधार कार्ड जब अपने आरंभिक दौर पे था तो उसका जो उद्देश्य था वो कुछ और था। उसका उद्देश्य ये था कि जो बिचौलिए यानी सरकार और गरीब जो जनता है, जिनके लिए अनेक योजनाएं जैसे मनरेगा और जो राशन कार्ड को लेकर राशन वितरण होता है, जैसी अन्य जो सेवाएं हैं, उनके बीच जो बिचौलिए होते हैं, जो एक बड़ा हिस्सा धन का अपनी तरफ कर लेते हैं और जनता जो गरीब है, गरीब जनता है, उन तक सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचता, उसमें स्पष्टता लाने, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आधार कार्ड जैसी व्यवस्था का जो लागू करने की जो बात हुई थी और इसी उद्देश्य से लागू किया गया। लेकिन जो वर्तमान की स्थिति है, जो केंद्र सरकार की योजना अब है आधार कार्ड को लेकर, वो सवालिया निशान उठा रहे हैं नागरिकों के अपने स्वयं के पहचान को लेकर, स्वयं की जो उनकी सिक्योरिटी है, जो उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इस पत्र में चिंता जताई गई है कि अगर आधार कार्ड अन्य दस्तावेजों के साथ जोड़ दिया जाएगा तो सरकार जब चाहे अपने मन मर्जी के मुताबिक नागरिकों को सेवाविहीन कर देगा, यानी पासपोर्ट की सेवाएं खत्म कर सकता है, राशन कार्ड, फोन और अन्य जो अन्य सेवाएं हैं उनकी उपलब्धता बंद हो सकती है, यानी बैंक से पैसे नहीं निकाल सकते, पैसे डाल नहीं सकते, अन्य जैसी सेवाओं को लेकर। 1998 में बीजेपी सरकार थी, उस दौरान गृह मंत्री थे लालकृष्ण आडवाणी, तो ये जिम्मा दिया गया था TCS को कि आधार कार्ड जो अब है उसी जैसा प्रारूप, उस समय भी सोचा गया था कि ऐसा कोई कार्ड बनाया जाए, जिससे चुनिंदा लोगों को का सर्वे भी लिया गया उस दौरान कि क्या ऐसा कोई कार्ड बनाया जाए जिससे कि ये सारी चीज़ें उपलब्ध हों। तो उस दौरान सरकार को जवाब में दिया गया कि नहीं नहीं ऐसा कुछ आप कार्ड ना बनाए, क्योंकि इससे मेरी जो व्यक्तिगत जो जानकारियां हैं वो सरकार तक पहुंच जाएंगी, यानी मैं अगर परचेज कर रहा हूं कुछ भी, चाहे वो नमकीन हो, चाहे बिस्कुट हो, या मेरे खुद के कपड़े अंडरगारमेंट हो, वो तक भी जानकारियां सरकार तक पहुंच जाएंगी। अगर हम मान भी लें कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सरकार के ही फेवर में आए और ये आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों का लिंक जो किया जा रहा है ये योजना को सही ठहराया जाए, तो पत्र में ये भी लिखा गया है कि क्या आधार कार्ड को लेकर जो दूर दराज क्षेत्रों में जहां लाइट और जो अन्य सेवाएं हैं जो डिजिटलाइजेशन को प्रमोट करती हैं वो क्या सुविधा उपलब्ध है, यानी ट्रेंड ऐसे वर्कर हैं जो कौशल विकास जैसी योजनाओं के तहत जो सिखाए जा रहे हैं, क्या वहाँ दूर दराज इलाकों में स्थानीय लोगों के बीच जो गरीब जनता है, जो आदिवासी क्षेत्र है, जो जहाँ जहाँ मतलब देश के हर एक कोने में, देश अपना बड़ा है तो उसमें अलग अलग लोग भी रहते हैं, समुदाय के लोग होते हैं, तो क्या ये जो उपलब्धता है, जो एक तकनीकी जो साक्षरता है वो क्या उपलब्ध है? अगर उपलब्ध है तो आधार कितना हद तक ये लागू हो सकता है, यानी आधार कार्ड को जो लिंक किया जा रहा है दस्तावेजों के साथ वहाँ कितना जमीनी स्तर पर कार्य करेगा। अगर आधार कार्ड के द्वारा हम अन्य दस्तावेजों को जोड़ भी दें और जो ये सुरक्षा, जो हमारी जानकारियाँ हैं उनको सुरक्षित कैसे रखा जाएगा, यानी हमें सबूत कैसे मिलेगा कि क्या हमारी जो जानकारियाँ हैं, जो सरकार के पास हमारी जानकारियाँ पहुँच रही हैं, आधार कार्ड में जो हमारे दस्तावेज जुड़ रहे हैं उनकी जो गोपनीयता है वो कैसी बनी रहेगी, उसकी भी कोई गारंटी या कोई ऐसा कोई हमें आश्वासन मिले ऐसा भी नहीं अभी तक दिया गया है। अगर तकनीकी बात करें तो आँखों की रेटिना जो चेक करते हैं तो चेक करने का जो मशीन होता है वो हर जगह उपलब्ध नहीं है, और मान लीजिए अगर हम फिंगरप्रिंट्स की जब बात करें, मान लीजिए वो चीज़ सब जगह उपलब्ध है, उदाहरण के तौर पर PDS यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस, जिसके तहत राशन का वितरण होता है, 80 करोड़ लोग देश में ऐसे हैं, अगर हाथों का जो प्रिंट है अगर वो मैच नहीं करता तो उनको राशन नहीं दिया जा सकता। इसके तहत 12 करोड़ ऐसे लोग हैं जो दोबारा प्रिंट नहीं मैच करता और वो छट जाते हैं,
और अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश की तो 13.5% ऐसे लोग हैं आंध्र प्रदेश में जिनको 3 से ज्यादा बार ये चेक कराया गया, प्रिंट हाथ का उनका मैच कराया गया, लेकिन फिर भी फिंगरप्रिंट मैच नहीं किया। तो ये जो आंकड़े हैं, ये जो समस्याएं हैं जो जताई गई हैं इस पत्र में, इसके अलावा जो जानकारियां जो प्रतिशत में दिखाई जा रही हैं, इससे कहीं ना कहीं जनता में नाखुश है जनता। काफ़ी हद तक मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि मेरी जो गोपनीयता है वो सरकार या अन्य लोगों तक न पहुँचे बिना मेरे अनुमति के। दूसरा कि जब प्रतिशत में ऐसी आंकड़े आ रहे हैं कि फिंगरप्रिंट मैच नहीं करते हैं, फिंगरप्रिंट अगर मैच नहीं कराएं तो हम योजनाओं से दूर हो जाएंगे, उस योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे, तो ये सरकार को सोचने की ज़रूरत है। फिलहाल तो हम नवंबर के आखिरी दिनों का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि उसी समय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, तब तक हम इंतजार ही कर सकते हैं और सरकार की योजनाओं को जहाँ तक हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा सोच विचार कर ही वो लागू करें। तब तक के लिए आप देखते रहिए newsviews360.com।